अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डी एस डिजिटल टीवी और मैं हूं तौसीफ अंजुम। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर 2024 के जलसे पर तैयार की गई दिलचस्प हकायक पर मबनी ये रिपोर्ट। 7 जुलाई 2022 को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए बड़ी जद्दोजहद की। तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 26 माह के दुश्वार गुजार रियासती जबर के बाद इस आईनी हक को इस्तेमाल करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान की तारीख में आज से गुज़श्ता 70 सालों में बड़े सियासी जलसे और रैलियां हुई, लेकिन हम आपको वो चीजें बताएंगे जो आपको पाकिस्तान के 40 टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स और दर्जनों अखबार की सुर्खियों में नजर नहीं आएंगे। रियासत होती है माँ की जैसी। इस माँ ने कासम के अब्बू के सियासी मैच को नाकाम बनाने के लिए 3 बार जलसे का मकाम तब्दील किया। इस माँ ने सियासी मेले को नाकाम बनाने के लिए 42 शराइत आयद कर दी। कहावत है, बकरी ने दूध दिया वो भी मेंगनी डालकर। आखिरकार पहाड़ की मानद रुकावटें खड़ी करने के बाद रियासत ने असल लीडरशिप के बगैर जलसे की इजाजत दे दी। नाम निहाद इजाजत के बाद जलसे को जाने वाले 20 से ज्यादा रास्ते बंद कर दिए गए। दारुल हुकूमत में हू का आलम और इंतजामिया ने ऐलान कर दिया तो कोई होटल किसी को रुकने न दे और ना ही खाना खाने दे। और तहरीक इंसाफ को खबरदार करती रही कि अगर 7 बजे से जलसा लेट हुआ तो किसी नामालूम कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिर इंसानी आंख ने जो अवामी जज्बात देखे, जिन्होंने सियासी फहम को तर्जमानी करने पर मजबूर कर दिया। लिसानी, सूबाई, सिंधी, बलोची, पश्तून, महाजर, सराइकी और दहशतगर्दी के नाम पर इस खुदादाद रियासत को यूं मुतहद किया कि हर कोने से नौजवान बूढ़ों को सहारा देकर, माजूरों को कंधों पर बिठाकर जलसे में पहुंचे। जज्बे का आलम यह था कि रात के वक्त भीड़ में हमारी मोजज खवातीन, बहनें, बेटियां और माएं खुद को महफूज समझ रही थी। इमरान खान, जिसका नाम लेना जुर्म है इसलिए कासम का अब्बू कहने से खुद को महफूज समझा जाता है, जिसके नजरिए ने कौम को मुतहद कर दिया, अब वक्फे वक्फे से इस मुतहदा पैगाम के नताइज आ रहे हैं, जिसके तहत कोई वजीर आला हो या माहर कानून या पार्टी ओहदेदार, रियासत होती है माँ के जैसी के जेरे अताब है। शायद इसके बड़े मुहाफजों को जोड़ने से ज्यादा फिर इसकी तकसीम की तैयारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाने से पहले अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।